मिनी ट्रक पेट्रोल बंक। एक गांव में सीताराम नाम का एक धनवान रहता था। वो बहुत कंजूस था। कोई उसके घर आकर पैसे उधार ना पूछे, ऐसे सोचकर उसने अपने गेट के सामने यहाँ कर्जा नहीं दिया जाएगा कहकर बोर्ड लिखवाया। एक बार एक मंदिर के पुजारी सीताराम के पास आकर, श्रीमान, हम हमारे गांव में मंदिर बनाने के लिए चंदा वसूल कर रहे हैं, आप कुछ सहायता करेंगे क्या? पुजारी जी, मैं किसी को पैसे उधार नहीं देता। श्रीमान, उधार नहीं, चंदा दीजिए, पैसे चंदे के रूप में दीजिए। श्रीमान, भगवान ने मुझे इतने पैसे दिए हैं, अब वही पैसे भगवान के लिए पूछे तो ठीक नहीं होगा ना? अगर आप चाहिए तो कुछ और पूछ सकते हैं। वो पुजारी तब अच्छे से सोचकर, कम से कम अन्नदान के लिए तो भी ऐसे कुछ कहने वाला था। वो क्या बड़ी बात है, अन्नदान हो या प्रसाद, खाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। आप बहुत बड़े कंजूस है कहकर मैंने सुना है, मगर आप खुद देख रहा हूं। सब आपकी कृपा है। एक बार एक दुकान का मालिक सीताराम के पास आकर, श्रीमान, मेरा नाम प्रसाद है, मैं हमारे गांव में एक नई दुकान शुरू करने वाला हूँ, शॉप के ओपनिंग के लिए आपको जरूर आना होगा। आप जैसे लोगों को मैं हमेशा से ही प्रोत्साहन देता रहता हूँ, मैं जरूर आऊंगा कहकर उस दुकान के ओपनिंग के लिए आया और सीताराम उस दुकान का उद्घाटन किया। सब लोग तालियां मारने लगे। इस दुकान के ओपनिंग के शुभ अवसर पर हम लकी ड्रा निकाल रहे हैं, जो भी लकी ड्रा में जीतेगा उसे हम बहुत कीमती इनाम देंगे। सीताराम उसके बातें सुनकर, क्या लकी ड्रा लगा रहे हो क्या? हाँ जी, मगर आपको ये सब क्यों चाहिए, वैसे भी आप अमीर है ना? तो क्या हुआ भाई, मैं भी मेरे किस्मत को आजमा कर देखूंगा कहकर लकी ड्रा निकाला। थोड़े दिन के बाद सीताराम को एक फोन आया। फोन में बात करते हुए सीताराम, हाँ हाँ जी, मैं ही सीताराम हूँ। हाँ क्या, सच है क्या, मैंने लकी ड्रॉ जीता है क्या? रुको, अभी आ रहा हूँ कहकर फोन रखकर दुकान की ओर जाने लगा। वो दुकान के पास आकर देखा कि वहाँ पर एक मिनी ट्रक पार्क किया हुआ था। ये क्या भाई, मुझे लकी ड्रॉ में ये छोटा मिनी लॉरी आया है। सर, ये सब आपके किस्मत के वजह से आया है, अब आप इनकार करे बिना अब से आप इस मिनी ट्रक पर ही फिरेंगे कहकर हम आशा करते हैं। तुमने सही कहा भाई, मैं किस्मत वाला हूँ, मैं इतना धनवान कैसे बना सोच रहे हो? मुझे लॉटरी लगने के वजह से ही मैं लखपति बना हूँ, अब इस लॉटरी की वजह से ही मुझे ये लॉरी मिली है, क्या पता मैं कल के दिन करोड़पति बन जाऊंगा शायद। और तब से सीताराम हर जगह उस मिनी ट्रक को चलाते ही जाने लगा। एक बार वो मिनी ट्रक के ऊपर जा रहा था कि अचानक से मिनी ट्रक रुक गई। ये क्या, ये ऐसे रुक गई? कि जांच करके देखा कि ट्रक में पेट्रोल खत्म हो गया था। अरे, पेट्रोल हो गया क्या? सोचकर देखा कि बगल में ही एक पेट्रोल बंक दिखा और वो तुरंत उस मिनी ट्रक को पेट्रोल बंक के पास लेकर गया और पेट्रोल भराने लगा। सीताराम मिनी ट्रक को चलाते हुए थोड़े दूर जाते ही फिर से गाड़ी रुक गई। ये क्या, अभी अभी मैंने टैंक भर के पेट्रोल डलाया है ना, पेट्रोल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? सोचकर मीटर देखा कि पेट्रोल खत्म हो गया था। ये क्या है रे भाई, इतनी जल्दी पेट्रोल खत्म हो गया? सोचकर फिर से पेट्रोल बंक के पास जाकर पेट्रोल फुल टैंक भरा कर निकल रहा था कि इतने में उसे एक फोन आया। हाँ, कौन बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, वो मिनी ट्रक मेरा ही है। क्या सच है, ये उतना फेमस हो गया क्या? ये सब इस मिनी ट्रक की दया है भाई, मैंने कहा था ना कि इस मिनी ट्रक के आने से मेरा किस्मत बदल जाएगा कहकर। ठीक है अभी फोन रखो, मैं एक बड़े प्रोजेक्ट के काम के लिए जा रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट के लिए मैं ऑलरेडी 10 लाख भर चुका हूँ भाई, अभी मैं सही वक्त पर नहीं गया तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा कहकर फोन रखकर गाड़ी स्टार्ट किया। गाड़ी चलाते हुए थोड़े दूर जाने के बाद वो मिनी ट्रक फिर से रुक गई। मिनी ट्रक के रुकने से उसने मीटर देखा। ये क्या, ये ट्रक इतनी पेट्रोल पी रही है, अगर ऐसे ही रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कहकर मिनी ट्रक को फिर से पेट्रोल बंक के पास लेकर गया और पेट्रोल भरा कर आया।
और थोड़े दूर जाते ही वो मिनी ट्रक फिर से रुक गई। अब सीताराम थक जाने के कारण निराश होकर वहीं बैठ गया। छी, ये फिर से रुक गई, अब क्या करूं? पूरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है। कुछ भी हो, ये मिनी ट्रक मेरी किस्मत की परीक्षा ले रही है। आने वाले दिनों में ये ट्रक मुझे करोड़ों रुपए कमा कर देगी। ऐसे सोच रहा था कि इतने में एक फोन आया। फोन बात करते हुए सीताराम। हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ, बोलिए। क्या? हे भगवान, मेरे पैसे सारे बर्बाद हो गए। सही समय पर नहीं जाने के वजह से प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया क्या? हाय रे, मैं क्या करूं, मेरे 10 लाख बर्बाद हो गए। यूं सोचकर दुखी हो रहा था। मगदा के गांव में सूर्या और विक्की कहकर दो लड़के हरसेन कहकर एक आर्कियोलॉजी साइंटिस्ट के पास काम करते थे। सूर्या और विक्की थोड़ा मंदबुद्धि के थे, लेकिन हरसेन उनको काम के लिए उन दोनों को जेलता था। एक दिन जब हरसेन, सूर्या और विक्की एक पहाड़ के पास खोद रहे थे, तब उनको 3 बड़े बड़े चाबियां मिले। उन्हें देखकर सूर्या, गुरुजी ये तो अद्भुत हो गया, कई सालों से हम जिस चाबियों के लिए ढूंढ रहे थे शायद ये वही है। शायद क्या रे, बिल्कुल यही है, अब हमारे सारे मुश्किल खत्म हो गए हैं। हमारे घर को गिरवी में रखे थे ना, उसे चुरा सकते हैं। अरे वो बेवकूफ, कहावत है कि तुम्हारे जैसे वाले आसमान में उड़ने वाले चिड़िया के लिए नीचे मसाला बनाए। किसी भी काम में जल्दबाजी करना नहीं चाहिए। क्या गुरुजी, आप तो शौक के ऊपर शौक दे रहे हैं। परसों तक वे चाबी मिले तो हम करोड़पति बन जाएंगे बोले, अब ये चिड़िया और मसाला कह रहे हैं। अरे और डेर दिमाग कहीं के, हमें चाबी मिला है कहकर सबको चिल्लाकर बोलेंगे क्या? अगर ये बात किसी ने सुन लिया तो कोई आकर हमें मारकर वो चाबी लेकर भाग जाएंगे। पहले हम इन्हें घर लेकर जाएंगे, रात होते ही उस किले में ये चाबी लेकर जाएंगे। गुरुजी, आपका दिमाग इन चाबियों के लिए ढूंढते ढूंढते खराब हो गया लग रहा है। इतने बड़े बड़े चाबियों को इधर से उठाकर घर लेकर फिर उधर से किले के पास लेके जाएंगे कह रहे हो? सच कहा, तुम लोगों के साथ साथ रह के मेरा दिमाग भी सड़ गया लग रहा है। ठीक है, हम रात तक इधर ही इंतजार करेंगे और इधर से किले के पास जाएंगे। वे तीनों अंधेरे होने तक इंतजार किए और उन तीनों चाबियों को उठाकर किले के पास गए। चाबी को नीचे उतार कर सूर्या, बाप रे, इतना वजन को उठाकर मेरा हड्डी फसली बन गए हैं। मैं तो आप बीच में ही गिर जाएंगे सोचा, लेकिन बुड्ढे होते भी अच्छे से मैनेज किया है आपने। अबे सूर्या, तुम चुप रहो, अगर उनका दिमाग सड़ गया तो हमारा चाबी भी छीन लेंगे। अरे वो बेवकूफ गधे कही के, तुम दोनों को मैंने गलती से मेरा एस्टेंस बनाया। आपके बकबक के वजह से वो गुप्त खजाना मिलना तो छोड़ो, हम फंस जाएंगे लग रहा है। ठीक है, हम गधे ही हैं और हमें एस्टेंस के जैसे लगाकर आप तो और भी बड़ा गधा बन गए हैं ना। आपका ये श्राप देना छोड़कर काम शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। तब वो तीनों मिलकर उस किले के ताला को उन 3 चाबी लगाकर खोले, तब वो खुल गया। अंदर जाकर देखे तो उधर बहुत सारे हीरे, जेवरात और कुछ बच्चे भी थे। ये देखकर वे तीनों उन बच्चों के पास गए थे। गुरुजी, पैसे बच्चे पैदा करते हैं कहकर सुना था, अब सच में देख रहा हूँ, ये बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं गुरुजी। अरे वो उल्लू के औलाद, ये तो बड़ा माफिया गैंग का लग रहा है। बच्चों को किडनैप करके इधर रखे तो इस माफिया गैंग को इस किले के अंदर से और एक रास्ता मिला होगा। कहकर बच्चों से, बच्चे आप लोगों को इधर कौन किडनैप किया? दादाजी कौन लेके आए हमें नहीं पता, मगर जब हम स्कूल से वापस घर जा रहे थे तो हमें उठाकर ले आए। क्यों रे, कोई ऐसा बुलाया तो इधर ऐसे आ जाएंगे क्या? दिमाग नहीं है क्या तुमको? तुम्हारे माँ पिता कितना परेशान होते होंगे। अरे वो बकरी दिमाग वाला, वे किडनैप हो गए तो उनको क्यों डांटते हो? छी, आप हमेशा ऐसे ही हर बात पर मुझे डांटते ही रहते हो, मैं चला जाता हूँ, कहकर गुस्से से उधर से चला गया। तब हरसेन और विक्की कुछ गहनों को थैलियों में बांधकर उधर से उन बच्चों को लेकर जा रहे थे, तब उधर 3 गुंडे गन्स के साथ आए। कौन हो तुम लोग, हमारे डेन में आए? जो भी है हमें क्यों, हमको तो डबल बोनांसा मिला है। इन बच्चों के साथ साथ इन दोनों को भी दूसरा देश को पार्सल कर देंगे, तब हमें डबल पैसा, डबल ऑफर्स। इतने में सूर्या उधर कुछ पुलिस को साथ में लेकर आया।
इतना जल्दी भी क्या है बच्चू, मैं तुम्हें देता हूँ सब कुछ डबल डबल। कितना दिन से चुप कर फिर रहे हो, आज हमारे सूर्या के वजह से मिल गए। कहकर उनको अरेस्ट करके बच्चों को भी साथ लेके गए। अरे तुम तो टेढ़े हो, लेकिन सही समय पर पुलिस को लाकर सबको बचाया, नहीं तो वे लोग अब तक हम दोनों को मार चुके होंगे। क्या समझा इस सूर्या को, वो बात छोड़ो, ये पुलिस तो जल्दबाजी में इधर खजाना को नहीं देखे, क्या करेंगे, उनको बुलाकर उन्हें दे देंगे क्या। अरे अभी अभी तुम्हारा प्रशंसा किया, इतने में फिर से डेड दिमाग कहकर साबित कर दिया है तुमने। पुलिस वापस आने से पहले हमारे हिस्सा हम लेकर भाग जाएंगे, चलो। तब वे तीनों मिलकर हीरे जेवरात लेकर उधर से भाग गए।